ये है हमारे पंडित जी, ये दादाजी के श्राद्ध मन सेंगे आज, तो आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे किया जाता है ये। ओम हरि ओम गावष्णवित्रया चम्मकेशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हरि ओम गोविंदाय नमो नमः अस्तु प्रक्षालनम्। ओम हरि ओम चंद्रस्मतृवितृपावनाशनमाब्धहर्तृनित्यं लक्ष्मीतिष्ठति सर्वदा स्थानुभवन्तु पुष्पाणि सुमंगलयं अस्तु। हरि ओम पवित्रधारणं च कुर्यात् पवित्रस्य वैष्णवशवितिरुपसुतो नमः चिद्रूपतिं सूर्यस्रस्मवितस्य देवपवित्रभूतस्य यद्कामवृन्दकेति पवित्रधारणं च कुर्यात्। हरिः ओमः ओम पुनः विनियोगः ओम मह हरिः ओमः ओम पवित्रति मंत्रस्य वामदेव ऋषि विष्णु गच्छन्त हृदय पवित्र कर्णे विनियोगः। ओम पवित्र पवित्र वासर वासां गतो यः समृद्ध पुण्डिकाक्ष सभाय अग्न पुण्डिकाक्ष पुनात्वं पुनात्वं पुनातु त्वं हरिः ओमः। ओम हरिः ओमः भूमे त्रिकोण खड्कोण मंगलं भाविक तदुपरि आसन आसन पात्र पात्र रक्त पूज परिकरं पात्रं संस्थापयेत परं पात्राय नमो नमः। हरिः ओमः जलाश्मनियं समर्पयामि गंधम समर्पयामि अक्षतान समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यम नैवेद्यां ते जलाश्मनियं समर्पयामि करं पात्राय नमो नमः। हरिः ओम आलोड्नं च कुर्यात् गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिन्धु घाघरी सरस्वती मोचते सर्वांशु लोकं सर्वचमितलनां च विद्या मंगलनां च मंगलम महेश्वरी शिरोभष्टा सर्व पापम हरो भागतिंगादिभ्यै नमो नमः। ओम हरि ओमः पुनः विनियोगः पितृदि मंत्र वामदेव ऋषि विष्णु गच्छन्त हृदय पितृकर्णे विनियोगः। अपवित्र पवित्र वा सर्वासां गतिः संवृत पुण्डिकाक्ष सवाय पुण्डिकाक्ष पुनात्वं पुनात्वं पुनातु त्वामः। हरिः ओमः विनियोगः पितृदि मंत्र मेरुपिशो ऋषिः कुर्मो देवता आसन पवित्रकर्णे विनियोगः पृथ्वीभ्यै नमो नमः। जलाश्मनियं समर्पयामि गंधं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि विद्यान्ते जलाश्मनिं समर्पयामि पृथ्वीभ्यै नमो नमः। उतेन हस्यमिति सुदर्शनं च कुर्यात् पृथ्वी त्वयिता लोका देवी त्वं विष्णादिता त्वं च धारि मां देवि पवित्रं कुरु चासनं पृथ्वीभ्यै नवधारसुखं राशनमण्डुकायनं शेषानन्ता पृथ्वीभ्यै नमो नमः। अवसर्वन्तु देवता ये भूता भूतलिता ये भूता विघ्नकर्तनः सन्तु शिवा चापक्रमन्तु भूतान् विजा च सर्वेषां महाल्यश्राद्धकरं समारम्भं क्षिपेतः। ॐ प्राच्यै नमः अवाच्यै नमः दीच्यै नमः दीच्यै नमः आकाशाय नमः पूजाकरं भूम्यै नमो नमः। हरिः ओमः ओम हरिः ओमः ध्यानं च कुर्यातः ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं आकाशात्पतितं द्वयमिथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधवं श्रीहरि पापनाशाय मोक्षदायक गोविंदं। हरिः ओम ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि संकल्पं महां। ओम हरिः ओमः विष्णु 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 त्रिवारुच्चार्येतः बोलना है आपने तीन बार राम राम बोलना है। ओम हरिः ओमः ओम हरिः ओमः ओमः विष्णु 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 स्वस्य मनुकुल सत्यनाचार्य उत्तमान साधु प्रातः वैजी गुरु राम द्वितीय प्रातः द्वितीय मुहूर्ते प्रथमदा कल्पाना मध्य अपने शिशु तवार कल्पशम भाग मुद्रा कृति द्वापर कृष्ण चतुर्युगाना मध्य वर्तमाने अष्टाविंशति समय कलयुग कलयुग समय पंचाकूट योजन बीस दिन भूमंडलांतर आरंभ अंत काफी कुछ पुष्प प्रयागादि हिमाचल प्रदेश अंतर सोलह नाम मंडल नावल त्राभिरोड़ी नाम अखिल ग्राम जय विजय पाती सोच शमशान मध्य नल नाम निशंब सुरी दक्षिणा सिंह माउतरा नाम आशा नाम आशोतमे हैं श्रृंगार के हैं
भाद्रपद मास पंचम तिथम उपवासयाम बुधवासयाम शिंगराशि सूर्य मेखराश्चंद्र मीनराशि पुरुष सूर्य तथराशु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेष सूक्ष्म अहम श्रुति संप्रति प्राण फल प्राप्ति काम श्री भगवती प्रीत्यर्थ अमुक गोत्रोत्पन्न क्या शांडिल्य गोत्रोत्पन्न अमुक नाम यजमान आपका नाम संजीव कुमार शर्मण तस्य दादाजी तस्य पितामह अमुक नाम तीना नाम श्री हिरुराम हिरुराम श्री हिरुराम शरमण वैकुंठ प्रसाद गति प्राप्ति हेतु अक्षय लोक उत्तम लोक प्राप्त्यर्थ महल्य श्राद्धं त्वां च कारिष्ये संकल्पं सिद्धिरस्तु ओम हरि ओम पितरा के बुलाया करो यहाँ से जी 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 सभ्यम की तो करो ओम हरि ओम अद्यमुख गोत्रोत्पन्न शांडिल्य गोत्रोत्पन्न संजीव कुमार शर्मण तस्य पितामह हिरुराम शरमणाहं वैकुंठ प्राप्ति वैकुंठ धामे निवृत्ति हेतवे क्षुधादृशा निवृत्ति हेतवे अद्य दिवसे महाल्य श्राद्धम इदम आसनम तिधा विभज्य विष्मभ्य तेभ्य स्वधाहा ओम हरि ओम तिलान विकीर्य हरिः ओमः पुनः संकल्पं मह पैसे तो देने थे बस कहा कि नहीं बेची थी छाड़ते ओम
हरि ओम अद्यः मुखगोत्रो शांडिल्य गोत्रो उत्पन्नः संजीव कुमार शर्मणः युष्मद् पितामह अस्मद् पितामह भवतु वसुरुद्र आदित्य स्वरूपम् अमुक नामनः हिरुराम शर्मणः वैकुंठ धामे सुदर्शन निवृत्ति हेतवेः महाल्य श्राद्ध स्मै एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूलानि स्मभ्य स्वदाहा ओम गंधम ते स्वदाहा तिलान ते स्वदाहा पुष्पाणि ते स्वदाहा हरि ओम जलात्मनि नमः हरि ओम मधुवातारितायिनि मधुक्षन्ति सिन्धव माधविर्न सन्तौषधि मधुलक्ष्यं सोखज मधुपातिवरज मधुरसिता पिता मधुमानो वनस्पति मधुमातु सूर्यमार्गिर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधुः हरिः ओम ओम हरि ओम पृथ्वी ते पात्रम धोबिलानम ब्राह्मणस्य मुखे अमृतम अमृतम जुहोमि स्वाहा इदं विष्णुरवि चक्रमेते धानी दधे पद्मं समूढस्य पांशुले स्वाहा इदं विष्णु कवमिदं रक्षामदीयं महां इदं अन्नः हरि ओम इदं महापः इदं महां आज्यं महाय हरि ओम ओम हरि ओम पुनः पुनः तिलान विकीर्य ओम हरि ओम अपहता सुरक्षा शिवेखदि हरि ओम संकल्पम हिरुराम शर्मणः वैकुंठ धामे क्षुदातिशा निवृत्ति हेतवेः इदम् अन्नम् सोभस्करम् तेभ्यः स्वधाः हरिः ओमः अन्नहीनं क्रियाहीनं विदेहीनं च यद् भवेत् अछिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीना प्रसादतः सभ्यं कृत्वा ओम आकाशात्पतितं त्वयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवं नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति केशवं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधवं श्रीहरि पापनाशाय मोक्षदायक गोविंदं हरि ओम ध्यानार्थ पुष्पाणि समर्पयामि हरि ओम पुनः संकल्पम् ओम हरि ओम अद्यः अमुक गोत्राणाम अस्मद युष्मदः अद्य अमुक गोत्राणाम शांडिल्य गोत्रोत्पन्न संजीव कुमार शर्मणः युष्मद पितामहं हिरुराम शर्मणः वैकुंठ प्राप्ति सद्गति प्राप्ति हेतवे वैकुंठ धामे कुदादिशा निवृत्ति हेतवे महाल्य श्राद्ध कर्मणः वशु रुद्र आदित्य स्वरूपाणाम हृदेत महाल्य श्राद्ध प्रतिष्ठार्थम इदम् अमुक देवता दक्षिणाद्रव्यम अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय धातु मोमोपिंड मयोचितम् इदम् अन्नं भाषेभ्यो नमः हरि ओम जलात्मनिं कृत्वा ओम हरि ओम अनेन कृतनेन बाल्य श्राद्ध कर्मणः भगवान् गदाधार प्रियन्तां तस्य ब्रह्म अर्पणमस्तु विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः शंशुक्लाय नमो नमः इन्द्राय नमो